अस्सलाम वालेकुम। ये जो है अब न्यूमेरिकल जो हमने करना है वो 1006 न्यूमेरिकल है इस बुक का। तो देखते हैं ये। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड एट अ प्लेट कंटेनिंग टू प्लेट्स लेबल्ड ए एंड बी। तो ये यंग्स मॉडुलस का जो एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली वही है, बस उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि जो है वो क्या डिफरेंस होगा जो ग्राफ आगे बनता होता है उसके अंदर, अगर हम ए स्लिट को ओपन रखें, बी स्लिट को क्लोज कर दें, फिर ऑपोजिट करें उसके दोनों स्लिट्स को ओपन रखें और स्टर्म गार्लिच अपरेटस जो है उसको यूज़ करके जो है स्पिन को चें जो है वो एक अप स्पिन में ले जाएं फिर एक डाउन स्पिन में इलेक्ट्रॉन जो है वो बम्बार्ड करवाएं, फिर कैसा पैटर्न बनेगा। और ई जो है कि अगर दोनों ही जो है वो पॉजिटिव एच कट ओवर टू जो है उनकी स्पिन है फिर क्या बनेगा, और एंड पे अगर इंटेंसिटी लो कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन है, बस ड्रॉ करने हैं ग्राफ्स के वो कैसे बनेंगे और बस ये बताना है कि मैथमेटिकली कि ये जो है वो किस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्क्रीन पे ग्राफ बनेगा ना उसका जो है फंक्शन वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करेगा और किसी चीज़ पे नहीं लेना है। इधर वेदर द इलेक्ट्रॉन्स हिट द स्क्रीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ड्रॉ अ रफ ग्राफ ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन अलोंग द स्क्रीन एंड गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। सिर्फ एक्स का कंपोनेंट जो है वो लेना, मतलब उस एक्स कंपोनेंट का कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इफ स्लिट ए इज ओपन एंड स्लिट बी इज क्लोज तो फिर क्या होगा। द प्रोबेबिलिटी डिटेक्टेड एट द स्क्रीन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू स्लिट ए। अगर दोनों में से जो है स्लिट्स, हमने दो दो स्लिट्स हैं और उसको एक को ए नाम दे दिया और दूसरे को बी नाम दे दिया, तो ए स्लिट जो है वो हमने खोली हुई है और बी स्लिट जो है वो बंद की हुई है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ए में से गुजरेंगे और यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी तो यहाँ पे छोटा सा जो है वो पैटर्न बन जाएगा ए के ऊपर। इंटरफेरेंस भी हो सकती है क्योंकि सेल्फ इंटरफेरेंस होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ इंटेंसिटी उसकी शो होगी कि जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, तो एक इंटेंसिटी ग्राफ सा बन जाएगा जिससे इंटेंसिटी पता चलेगी उन इलेक्ट्रॉन्स जो बम्बार्ड हो रहे हैं। दरम्यान में जहाँ पे बम्बार्ड हो रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी और फिर कम होती जाएगी। और बी में जो है वो इसके ऑपोजिट कहा हुआ है उन्होंने कि अगर बी का जो है वो स्लिट ओपन की हो और ए की स्लिट बंद की हो तो सिर्फ यहाँ पे बी पे इंटेंसिटी आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी है वो इस साइड पे आ जाएगी। और अब सी जो है अगर ए और बी दोनों स्लिट्स हैं वो ओपन की हो फिर कैसा ग्राफ बनेगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ग्राफ ड्रॉ करना है और थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है वो नीचे है, मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ। अगर दोनों जो हैं वो खुले हुए हैं सुराख तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो यंग्स मॉडुलस का एक्सपेरिमेंट है, यंग्स का एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा दोनों का, वेव्स जब डिफ्रैक्ट होकर अंदर से गुजरेंगी तो वो दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी और उससे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा जिसके अंदर दरम्यान में जो है वो एन इक्वल टू 0 पे सबसे ज़्यादा जो है वो होगा इंटेंसिटी और फिर कम होती जाएगी एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। आगे डी जो उन्होंने दिया हुआ था ना ये मज़ेदार है, ये दिया हुआ है कि स्टर्न गार्लिच अपरेटस अगर हमने अटैच किया हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले, यंग्स गार्लिच एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने जो है स्पिन को अलग अलग किया था यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, के इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर एक अप स्पिन होती है एच कट ओवर टू और एक जो है वो डाउन स्पिन होती है माइनस एच कट ओवर टू। तो अगर हम स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको अपनी अपनी स्पिन जो है वो स्पिन में डिवाइड कर दें, एक को फॉर एग्जांपल ऊपर वाली स्पिन में कर दें स्पिन अप में और एक को स्पिन डाउन में कर दें, और ऊपर वाली स्पिन को एक स्लिट से गुजारें और डाउन स्पिन को दूसरी स्लिट से गुजारें, तो फिर कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ये उसकी डायग्राम बनाई हुई है, ये स्टर्न गार्लिच अपरेटस है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम्स इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो स्पिन अप और स्पिन डाउन में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जो अप स्पिन में है वो ए से जाएगा और जो डाउन स्पिन में है वो बी से जाएगा, तो इससे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, बस इंटेंसिटी का पता चलेगा उनसे भी, लेकिन ये हाफ इंटेंसिटी होगी, ये लाइन से जो ऊपर है ये सिर्फ अप वाले की डेंसिटी होगी इधर तक, कि यहाँ से कम इंटेंसिटी होती जा रही है और मैक्सिमम यहाँ तक चली गई है इधर इस पॉइंट तक क्योंकि स्पिन अप तक। और फिर जब बी जो है
उसकी इंटेंसिटी होगी कि यहाँ से मिनिमम है और यहाँ से मैक्सिमम होगी, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हिट कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है जो स्पिन डाउन में है बस, और तो इससे कोई कुछ नहीं पता चलेगा। और ई जो है, ई उन्होंने कहा हुआ है कि अगर सिर्फ जो है दोनों सेट से अब पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन जो है वही पास करें तो फिर क्या होगा। ई में जो है वो एग्जैक्टली सी की तरह होगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बनेगा, लेकिन इसका जो है इंटेंसिटी जो है वो कम होगी इधर इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि एक स्पिन के आ रहे हैं, दोनों स्पिन अप के आ रहे हैं, तो वो जो है पूरा पूरा पार्ट नहीं है उनमें, मतलब इंटेंसिटी कम है उनकी, हाफ इंटेंसिटी आप कह सकते हैं। तो वो जो है जब इंटरफेयर करेंगे तो पूरी इंटेंसिटी नहीं आएगी, तो उससे छोटा ग्राफ बनेगा एक्चुअल इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है उससे। अब नीचे जो है वो कुछ दिए हुई हैं इक्वेशन, ये प्रॉबिलिटी दी हुई है। फर्स्ट जो किया है ए पार्ट, जिसके अंदर सिर्फ ए वाली स्लिट खुली हुई थी, उसके अंदर जो है प्रॉबिलिटी है जो ए से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सिर्फ उसी का जो है वो ग्राफ बनेगा, और वो डिपेंड करेगा पोजिशन एक्स पे, तो पीछे क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है, और मोमेंटम पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा जो दरम्यान में मीडियम होता है उस पर भी, या डायफ्रैक्शन एंगल पे। उन्होंने एक क्वेश्चन में बताया हुआ कि सिर्फ एक्स पे लेना है अपने जो डायरेक्शन से आ रहा है, जिस डायरेक्शन से, तो अगर ए जो है वो स्लिट खुली होगी तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो सिर्फ ए पे डिपेंड करेंगे, इस स्क्रीन पे कहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि बी से भी कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, नहीं, तो बी से जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी आने की वो जीरो होगी क्योंकि वो स्लिट बंद है। इसी तरह जो है इसका रेसिप्रोकल जो है वो बी वाला था, यहाँ पे ए स्लिट बंद थी और बी वाली खुली हुई थी, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी स्क्रीन पे शो होने की इलेक्ट्रॉन्स की वो सिर्फ बी स्लिट से होगी जो एक्सपेरिमेंट करेगी। इसी तरह सी जो है, सी के अंदर दोनों स्लिट्स जो हैं उन्होंने खुली रखी हुई थी, तो वो जो है वन और टू की जो है वो होगी, ये वन और टू लिखा हुआ है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न को करके लिखा हुआ है, लेकिन आई वन प्लस आई टू जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये इन दोनों की जो है प्रोबेबिलिटी होगी, और इंटरफेरेंस टर्म जो है वो अलग होगी इसमें। स्लिट ए से आएंगे इलेक्ट्रॉन, स्लिट बी से आएंगे और फिर इंटरफेरेंस होगी, और फिर वो टोटल ग्राफ जो है सी पार्ट वाला जो है एक्चुअल ग्राफ जो बनता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो बनेगा इस तरह, दरम्यान में इंटेंसिटी ज़्यादा और फिर कम। और डी पार्ट जो था उसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया था इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बेस पे इलेक्ट्रॉन्स को, एक अप स्पिन कर दी थी और एक डाउन स्पिन में कर दिया था। द आइगन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू स्लिट ए इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू स्लिट बी, एंड सो देर इज नो इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस होगी नहीं क्योंकि अप और डाउन जो है वो है ही नहीं उसमें जो इंटरफेरेंस कर सकें। द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज जस्ट द सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द सिंगल स्लिट केसेस, जैसे सिंगल स्लिट में हो रहा था कि सिर्फ एक्स के जो है वो आ रही थी इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में सिर्फ बी के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इसी तरह होगा कि एक्स में अलग अलग आएंगे बी में अलग अलग आएंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ग्राफ जो है वो हमारे पास एक ही है, एक ही स्क्रीन पे जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएंगे, जब उन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका पूरा एक ग्राफ बन जाएगा। अब ई पार्ट जो था लास्ट, सिमिलर टू सी बट द इंटेंसिटी इज हाफ, और ये उसकी पिछले पार्ट की डी की जो है उन्होंने इक्वेशन दी हुई कि फर्स्ट स्लिट में से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और सेकंड स्लिट में से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको बस ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ, जिस तरह जो है वो सी पार्ट में किया हुआ था, पीछे सी में यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो अलग से ऐड की हुई थी क्योंकि वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही थी, वहाँ पे वेव अप और डाउन क्रस्ट और ट्रफ जो है वो बन रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ जो है वो अप में और कुछ डाउन में है, वापस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो वो बस इंटेंसिटी उसकी आ जाएगी और फिर ग्राफ बन जाएगा ये जो इंटरफेरेंस, इसलिए इसमें इंटरफेरेंस टर्म नहीं है, सिर्फ उनका जो इंटेंसिटी का सामना जो ग्राफ पे आएगा। सिमिलर टू सी बट द इंटेंसिटी इज हाफ दैट इन सी, ई में जो था हमने सिर्फ जो है अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स लिए थे जो ए और बी दोनों में से गुजर रहे थे, तो इसके अंदर सिर्फ जो है टोटल जो बनेगी इंटेंसिटी जब दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे सी में हुआ था उससे हाफ हो जाएगी तकरीबन, जो क्योंकि हमने जो है सिर्फ एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसके, इसका मतलब इंटेंसिटी हाफ है, अगर दोनों स्पिन के लेते तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आती जो या फिर इसके मुकाबले में डबल आती, तो हमने एक ही जो है वो स्पिन के इलेक्ट्रॉन लिए तो इंटेंसिटी बस हाफ हो जाएगी और इंटरफेरेंस नहीं होगी।
और जो लास्ट पार्ट था इसका वो था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बीम इंटेंसिटी सो लो दैट ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू द अपैरेटस एट एनी टाइम। अब उन्होंने पूछा है कि यहाँ पिछले एक्सपेरिमेंट में आप इतने हजारों सैकड़ों की तादाद में इलेक्ट्रॉन्स आप बम्बार्ड करवा रहे थे, जिससे ये ग्राफ बनता जा रहा था उनकी इंटेंसिटी का ग्राफ, लेकिन आप इंटेंसिटी जो है वो इतनी लो कर दें कि फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गुजरें, बल्कि फ्यू भी नहीं, उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में गुजरे, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा हो तो फिर दूसरे स्लिट से कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन ना गुजर रहा हो, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गुजर रहा हो तो फिर क्या होगा। उसका आंसर सिंपल है, बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंटरफेरेंस ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो वो एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होगा वो अपने आप से इंटरफेरेंस करने लग जाएगा। ये भी एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना होता है कि अगर अकेला भी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा हो ना तो वो उसकी वेव जो होती है वो अपने आप से इंटरफेरेंस करने लग जाता। और जो है आंसर जो ऊपर सारे आए हैं ये ग्राफ के वो उस एक इलेक्ट्रॉन के टाइम पे भी सेम ही रहेंगे, इंटरफेरेंस तो फिर भी होगी, उसको सेल्फ इंटरफेरेंस कहते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक फिनोमेना है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि वेव जो है वो अपने आप से इंटरफेरेंस करने लग जाती है, सवाए इसके बजाय कि उसके दूसरी एक वेव, जैसे एकोस्टिक्स में पढ़ते हैं कि दो वेव मिलके जो हैं वो उसके इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, हमारी सारी डिवाइसेस उस पर चलती हैं, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, साउंड कम ज़्यादा होती है, बेस सेट होती है, फ्रिक्वेंसी सेट होती है, लेकिन ये एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है जिसके अंदर एक वेव अपने आप से इंटरफेरेंस करने लग जाती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट में, अगर डिफरेंट जो है ए बी सी पार्ट अगर इन डिफरेंट सिचुएशन से गुजारेंगे एक इलेक्ट्रॉन को तब भी यही आंसर आएगा, बस इंटेंसिटी जो है वो उसकी शायद बहुत कम हो जाए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में गुजरा होगा। और अगर सेम भी हो सकती है इंटेंसिटी अगर हम टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, बहुत देर तक जो है वो एक्सपेरिमेंट को ऑन कर रखें, एक सेकेंड फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक सेकेंड में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो दूसरे सेकंड में एक और गुजर रहा है, तीसरे में वो, मतलब काफ़ी देर तक चलाएं, तकरीबन 4-5 दिनों तक चलाएं, तब हमें शायद ये एक छोटी सी पीक जो है वो मिल जाए इंटेंसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ही कम तादाद में आ रहे होंगे।